केंद्र सरकार के तीन नवे खेती कानूनों नू लैके विरोध विच पिछले 117 दिनों तो किसान दिल्ली के बार्डर से अंदोलन कर रहे हैं। आज किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। इस मौके देश के नौजवान दिल्ली के धरने वाली थावां ते पहुंचणगे। इस मौके बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे जिथे भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव के विचारों ते चर्चा की जाएगी। तीन दिन पहला हरियाणा के हांसी की इतिहासिक लाल रोड तो किसान मार्च न शहीद भगत सिंह की भतीजी गुरजीत कौर ने हरी झंडी दे के रवाना किया। हांसी के सैकड़े किसान मजदूर विद्यार्थी अते होर लोग इस यात्रा दे विच शामिल होए। यह सारे लोग दिल्ली के बार्डर तो पहुंचणगे। इस पैदल यात्रा दे विच किसान लगातार शामिल भी हो रहे हैं। दस दईए कि किसान जथेबंदियां ने 26 मार्च नूं भारत बंद का ऐलान किया है। शहीदी दिवस मनाते हुए किसान भारत बंद नूं सफल बनाने की रणनीति बारे भी विचार वटांदरे करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च नूं भारत बंद लई रणनीति बनाने लई वख-वख जनतक संगठनां अते एसोसीएशनां दे नाल पिछले हफ्ते मुलाकात भी की सी। जिक्रयोग है कि अंदोलन के 4 महीने 26 मार्च नूं पूरे होण ते देशव्यापी बंद सद्दे दौरान भी दुकाना अते कारोबारी अदारे 12 घंटे तक बंद रहणगे। इस तों बाद 28 मार्च नूं केंद्र दे तीन नवे खेतीबाड़ी कानून दीआं कापियां दा दहन कीता जावेगा। फिलहाल इह वड्डी खबर सामने आ रही है कि किसान अज इकजुट होणगे। देखणा इह होवेगा कि यह अज का संघर्ष शांतिपूर्वक लंघ जावेगा जां फिर कोई नवी हिंसा वापर सकती है। फिलहाल इस खबर नूं देखण तों बाद तुसीं अपने कमेंट की देना चाहते हो। इस खबर दे लई अपने वल्लों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना।